कोरोना के दूसरे स्ट्रेन के चलते देश भर में हाई तौबा मचा है। बात अगर बिहार की हो तो यहां सारे इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। ज्यादातर अस्पताल फुल हैं। अस्पतालों में जिन्हें बेड मिल भी गए हैं वो ऑक्सीजन के लिए जूझ रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के साथ ही पटना में ऑक्सीजन की किल्लत शुरू हो गई है। अब तो कई बड़े अस्पतालों ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। ये चिट्ठी इस बात की तस्दीक भी करता है। ऑक्सीजन नहीं होने के कारण कई अस्पतालों ने तो नो एंट्री का बोर्ड भी लगा दिया है। गैस लेने पहुंचे? हाँ, हम लीडर हैं, गैस लेने आए हैं। कहाँ से पहुंचे? पटना से। तो क्या यहाँ किस तरह की समस्या आ रही है ऑक्सीजन गैस मिलने में? बहुत समस्या है अभी। किस तरह की समस्या है? बहुत टाइम लग रहा है। मैंने जो अभी आए हैं तो 4-5 घंटा लग रहा है। कितने ऑक्सीजन गैस की डिमांड की है आपने? अभी हम 50 किए हैं। कितने घंटे से खड़े? अभी कोविड पेशेंट है जो प्राइवेट हॉस्पिटल लिया है उसके लिए हम लोग डिमांड बढ़ गया है तो 50 के लिए भी एक भी सिलेंडर नहीं मिला। कितने घंटे लग जाते हैं एक ऑक्सीजन सिलेंडर को रिफिलिंग करने में? 24 मिनट 40 मिनट। 40 मिनट लग जाते हैं। आप लोग पूरे दिन में कितने रिफिल कर पाते हैं? 40 जोड़ लीजिए 12 घंटा में। यहाँ का स्थिति अभी देख ही रहे हैं आप लोग, बहुत बुरा है। जहाँ तहाँ से सब कोई आ रहे हैं, किसी को ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पा रहा। बहुत सारा हॉस्पिटल है, जो छोटा छोटा हॉस्पिटल है वो लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं जो हमसे कभी नहीं लेते थे। और हम लोग अपना आपूर्ति तो हो ही नहीं पा रहा है, दूसरा कहाँ से देंगे? क्षमता उतना नहीं है ऑक्सीजन गैस का यहाँ। जिला प्रशासन तो कह रहा है कि आप लोगों को सभी सुविधा मुहैया कराई जा रही है। मुहैया कराई जा रही है लेकिन हमारे पास उतना सुविधा नहीं है जो कि पूरा पटना को हम सप्लाई दे सकते हैं। क्या केमिकल की कमी हो रही है या फिर किस चीज़ की समस्या है? लिक्विड ऑक्सीजन कमी हो रही है। पर डे एक गाड़ी हमको चाहिए जो कि उतना अभी अवेलेबल नहीं है। अभी तो दिख रहा है कि एक गाड़ी आपको रिफिल, गाड़ी में 5 ही टन हमको मिल रहा है। कुल कितने टन की आवश्यकता पड़ रही है आपको रोज? हमको 14 टन चाहिए। यहाँ मरीजों की है नो एंट्री। फोर्ड अस्पताल, जगदीश मेमोरियल अस्पताल, ऑक्सीजोन अस्पताल, हाईटेक हॉस्पिटल, पल्स इमरजेंसी अस्पताल, समय हॉस्पिटल, पारस हॉस्पिटल, कुर्जी हॉली फैमिली, ये पटना के वो बड़े अस्पताल हैं जो ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं। इन अस्पतालों ने तो यहाँ तक कह दिया है कि अगर आपके पास ऑक्सीजन सिलेंडर है तो ही इलाज के लिए आइए। जब इनका ये हाल है तो जिलों और ब्लॉक लेवल के अस्पतालों का तो भगवान ही मालिक है। बहुत ही वर्स्ट स्थिति है सर, सिलेंडर की प्रॉपर सप्लाई नहीं होने के चलते हम लोग विवश हैं। मरीज को सारे इन्फॉर्म कर रहे हैं कि आप अन्यत्र जहां भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या दूसरे हॉस्पिटल में आपको व्यवस्था मिले आप शिफ्ट हो जाएं, क्योंकि हमारे पास सिलेंडर की स्कार्सिटी है। हमारे वेंडर जो हैं उसने हाथ खड़ा कर रखा है, कहा कि हम आपको सप्लाई नहीं दे पा रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि मेरे पास फैसिलिटी नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, आप अपने मरीज को ले जाइए। सभी मरीज को निकाल रहे हैं? अब सभी मरीज को निकाल रहे हैं कि नहीं निकाल रहे हैं? लेकिन निकाल रहे हैं ना, दूसरा में भेज रहे हैं। यहाँ पे मतलब बेड फुल है? जगह नहीं है। क्या दिक्कत है? डिमांड बढ़ने से कम पड़ी ऑक्सीजन की सप्लाई। हर दिन 5000 ऑक्सीजन सिलेंडर की डिमांड, हर दिन 50% ऑक्सीजन सिलेंडर की ही आपूर्ति। प्रोडक्शन का 90% ऑक्सीजन अस्पतालों को देने को कहा। एक सिलेंडर से मिल सकती है 22 से 24 घंटे जिंदगी। पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने प्रोडक्शन के 90% ऑक्सीजन सिलेंडर अस्पतालों को देने के निर्देश दिए हैं। वहीं जिला प्रशासन ने ऑक्सीजन गैस सप्लाई करने वाले सभी तीनों प्लांटों पर मजिस्ट्रेट रैंक के अधिकारियों की तैनाती कर दी है। अभी तक ये हो रहा था कि लगभग 50-50 इंडस्ट्री को और हॉस्पिटल्स को ये लोग दे रहा था। आज हम लोगों ने निर्णय लिया है कि अभी जब तक दबाव है हॉस्पिटल्स पर ऑक्सीजन का, तो हम लोग 90% ऑक्सीजन जो है वो हॉस्पिटल को उपलब्ध कराएंगे और 10% ही हम इंडस्ट्रियल यूज के लिए अभी हम लोग करेंगे, ताकि इंडस्ट्री भी चलती रहे और बंद नहीं हो। इस संबंध में मुझे कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल से फ़ोन आया था कि ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, जिसमें बात करके जो भी है उस संबंध में वरीय स्तर पर मतलब निर्णय लिया जा रहा है कि इंडस्ट्रियल जो भी है जो कि ऑक्सीजन की सप्लाई है उसको कट करते हुए मेडिकल सप्लाई दिया जाए और शाम तक कुछ ऑक्सीजन उपलब्ध करा दिए गए प्राइवेट हॉस्पिटलों में। पटना के तमाम अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल ले जाने के दौरान कई मरीजों की सांसें थम जा रही हैं और परिजन रोड पर ही मातम मनाने को मजबूर हैं। जिला प्रशासन ने जल्द ही सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन मुहैया कराने की घोषणा की है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। देखना ये है
कि सरकार की नींद अब कब खुलती है या ऑक्सीजन के अभाव में प्रदेश में मौतें होती रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी भारत।